अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल माने क्रिकेट शो। इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन तो पहुंच गया है चांद पर, और इंडिया के लिए लकी साबित हुआ है चंद्रयान 3, क्योंकि जब लास्ट टाइम चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो इंडिया भी वर्ल्ड कप में फेल हुआ था। इस बार चंद्रयान 3 पास हो गया, तो क्या इंडिया वर्ल्ड कप में पास होगा? तो इस पर आज डिस्कस करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया को और इंडियन फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि चंद्रयान 3 इंडिया का पहुंच गया है चांद पर, और ऐसी जगह पर उन्होंने लैंड किया जहां पर पहले कोई नहीं पहुंचा। तो फर्स्ट कंट्री पहुंच गए हैं कि साउथ पोल पर चांद पर लैंड कर गए हैं। चले बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छे हमसाए की तरह हम आपको आपकी कहते हैं ना, आपकी खुशी में बराबर के शरीक हैं। और आपने जो जिस मानिए जिसने अच्छा किया उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है, उस टाइम पर इंडिया वाकई अप्रिसिएशन का मुस्तहिक है। देखें वैसल भाई, अब बात अगली आ गई है। देखें, जब लास्ट टाइम जो हुआ था ना चंद्रयान 2 फेल, उसी साल इंडिया वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया था, फेल हो गया था। इस बार चंद्रयान 3 पास हो गया है, तो क्या इंडिया इंडिया आपको साइन मिल रहा है, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है 2023? अभी उनके बड़े अच्छे मौके पे, जो उनकी कॉम है ना वैसल भाई, वो एक कह लेंगे पैट्रिक मोड में आ गई और बड़ी सेटल हो गई है। तो क्या शायद इससे कोई बूस्ट मिले इंडिया की टीम को, क्योंकि इंडिया की टीम के जो हाल है वो तो बहुत बुरे हैं। वो चंद्रयान 3 वाले हाल नहीं है, वो टीम फंसी पड़ी है, वो चंद्रयान 1 वाले हाल है, जो कि पहले ठुस हुई पड़ी थी, पहले उड़ते साथ ही ठुस हो गई थी। तो अभी मैंने देख रहा था कि जो टीम इंडिया, जो उनकी T20 स्क्वाड है, वो भी आयरलैंड में मौजूद है, और उन्होंने भी जब ये इनकी सक्सेस मिली है तो वहां पर क्लैपिंग किया और अपनी जो कंट्री को बिल्कुल सपोर्ट किया वहां से, तो अच्छी बात है। वहां उनके जितने भी फैंस हैं वैसे भी, जितने भी क्रिकेटर जो क्रिकेटर्स थे, एक्स क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सब ने इसको वो एज अ नेशनल हॉलीडे आप कह लें हो चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि बड़ी सेलिब्रेशन हुई इंडिया में, बहुत बड़ा दिन है इंडिया के लिए आज। तो चले अब बात पे वापस आते हैं, क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट का सीजन भी ऑन है। क्या इंडिया का ये साल है 2023? क्योंकि वाइब्स तो बड़ी अच्छी आने लगी इंडिया को मौके पर आकर, टीम भी अब उनकी एशिया कप में अच्छी बन गई है, क्या पाकिस्तान को टक्कर देगी ये? पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अब अपना कौन सा चांद चढ़ाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी आपको पता है कि अनप्रिडिक्टेबल किस्म की टीम है। जब खेलना हो, जब दिल हो, तो बहुत अच्छा खेल जाते हैं, आपने कल देखा होगा अफगानिस्तान के खिलाफ, और जब मूड ना हो तो फिर जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी हार जाते हैं। तो देखना ये होगा कि इंडिया के अगेंस्ट कौन सी पाकिस्तान उतरती है, किस फ्रेम ऑफ माइंड से पाकिस्तान उतरती है। और अगर पाकिस्तान का जो माइंड वही हुआ जो चैंपियंस ट्रॉफी में था, या फिर जो T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से उनको हराया था, फिर तो इंडिया का बचना जो है ना वो नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, और फिर तो आप ये कह सकते हैं कि यार यहां तक इनकी सक्सेस थी, क्रिकेट की दुनिया में भी सक्सेस नजर नहीं आ रही। और अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि जिम्बाब्वे के साथ जिस तरह खेल के आउट हो गया था, उस फॉर्म में उतर आया, तो फिर इंडिया को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी ज्यादा इंतजार मानी भाई हमने करना नहीं है, क्योंकि 2 सितंबर को पहला टेस्ट है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, टेस्ट मैच इस सेंस में कह रहा हूं कि आपस में खेलने का टेस्ट है, तो वहां पर भी काफी चीजें गुत्थियां खुल जानी है। कौन फेवरेट है? पहले जल्दी स्टार्ट हो रहा है, आज मैं कजाफी स्टेडियम लाहौर की तरफ से गुजर रहा था, लाहौर का मौसम बड़ा जबरदस्त था, तो बड़ी ही रौनक है लाहौर में, और प्रॉपर भरपूर तरीके से तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, में भी जबरदस्त तैयारी। काश इंडिया भी आता, एक आधा मैच पाकिस्तान में खेल के जाता तो हमारा जो है ना एक्साइटमेंट लेवल डबल होता, लेकिन ठीक है इंडिया की मर्जी। चांद तक वो जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तक वो आ नहीं सकते। देखिए चांद इतना दूर था, वहां पहुंच गए हैं, पाकिस्तान आपके बिल्कुल करीब था, बॉर्डर बिल्कुल आपने सिर्फ कहा था वॉकिंग डिस्टेंस पे था, वहां आप आए नहीं। लेकिन ये समझ लें पॉलिटिक्स जो है वो लेके बैठ गई है दोनों कंट्रीज को, अगर आप इतनी तरक्की करें तो हमें भी खुश होना चाहिए, और आप हमारी तरक्की में आपको खुश होना चाहिए, तो एज ए अच्छे नेबर हमें इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन ठीक है पॉलिटिक्स हो रही है हर जगह हो रही है जी। लेकिन वैसे भी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ है कि जो इंडिया है ना वैसे भी अब उनका कैंप भी लगने वाला है, क्योंकि टीम अनाउंस हो चुकी भी है। पाकिस्तान का तो कैंप लग चुका था और कैंप के पता मैच भी उन्होंने खेल लिया, पाकिस्तान प्रैक्टिस के मामले में तो एक कदम इंडिया से आगे है बिल्कुल अगर देखा जाए तो। लेकिन क्रिकेट में भी इस टाइम पाकिस्तान इंडिया से आगे है, बेशक आप साइंस में आगे निकल गए हैं, लेकिन अच्छी बात है निकल गए, लेकिन पाकिस्तान अभी क्रिकेट में उनसे आगे है। पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा इनसे आगे रहा है, 10 साल पिछले आप डिकेड निकाल दें तो वो बस डोमिनेट किया इंडिया ने, नहीं तो हमेशा से ऐसे ही था कि पाकिस्तान इंडिया को डोमिनेट करता था, जिस तरह हमने पिछले 10 साल गुजारे हैं ना, कि जब मैच स्टार्ट हो रहा है तो हमें पता है कि यार इंडिया फेवरेट है, तो इसी तरह उससे पीछे अगर चले जाएं तो हर मैच में पाकिस्तान फेवरेट होता था, जिसमें वसीम वकार इनका कहते हैं ना आपको इनका दबदबा होता था, और इंजमाम हो गए या वन साइडेड मैच जीते होते थे। तो रिसेंटली 10 साल इंडिया के अच्छे गए हैं, लेकिन अब दोबारा मुझे लगता है कि वक्त चेंज हो रहा है, अब इनका देखते हैं कि आने वाले वक्तों में रिजल्ट क्या आते हैं, पाकिस्तान के हक में आते हैं कि नहीं आते। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया का फ्यूचर जो है वो थोड़ा डीप होगा क्रिकेट में, क्योंकि जो टैलेंट नजर आ रहा है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, और पाकिस्तान एट द राइट टाइम पीक कर रहा है। तो कल पाकिस्तान का अगला मैच भी है, सेकंड मैच है, क्या लगता है आपको इस बार अफगानिस्तान 100 बना पाएगा? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कल हारिस रूप को रेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी जोर लगाया था और 5 विकेट ली थी, क्योंकि रोटेशन करनी पड़ेगी इतनी जिम्बाब्वे। अगर आपने टेस्ट करना है तो आपने टेस्ट करना है तो मोहम्मद वसीम जूनियर को टेस्ट करना है, और बड़ा अच्छा टाइम है आपको अपनी कॉम्बिनेशन दोबारा टेस्ट करने का, जिन प्लेयरों को मौका नहीं मिला उनको मौका दें, और कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए पक्का करें। तो ये मेरे ख्याल कल बिग प्लेयर्स को रेस्ट देना बनता है, तो है, आप देखें क्या सोचती है बिल्कुल। तो चैनल को करते हैं हम सब्सक्राइब, वीडियो को आप लाइक कर दें,
और इंडिया को मुबारकबाद अगेन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।